नमस्कार दोस्तों, पी के स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे यूपी टेट 2018 का, और फाइनली हमारी टीम जो है घर पहुंच चुकी है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूं क्योंकि मेरे सामने ही बहस हुआ है, और आप लोगों ने आज यूट्यूब पे बहुत सारा धमाल देखा होगा कि स्टे लग चुका है, स्टे लग चुका है, डबल बेंच में बहस खत्म हो चुकी है, स्टे लग चुका है। ऐसा है कि जितने भी यूट्यूबर वाले हैं वो सब केवल घर बैठे बता दिए कि स्टे लग चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी कुछ भी नहीं हुआ है दोस्तों, ऊंट किस करवट बैठेगा अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और कल आएगा फैसला, जो ऑर्डर है, जो आदेश है, उसको रिजर्व कर लिया गया। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ क्योंकि मेरे सामने ही बहस हुआ है, और हमारी जो टीम है वो चाय नहीं बेच रही थी कोर्ट में, जैसा कि लोग बता रहे हैं कि स्टे लग चुका है, बहुत अच्छा बहस हुआ है, स्टे लग चुका है। आप लोगों ने देखा होगा, और व्हाट्सअप का भी बहुत सारा चल रहा है कि व्हाट्सअप पे बहुत सारे लोग जो है उस पर भी वीडियो बना रहे हैं व्हाट्सअप से स्टेटस करके। तो मैं आपको पूरा बताता हूँ दोस्तों कि क्या हुआ था आज कोर्ट में, किस टाइप से बहस हुआ था। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कोर्ट नंबर 29 में जो है 23 नंबर पर जो केस लगा हुआ, आप यहाँ देख सकते हैं 3/2019 3/2019 हिमांशु गंगवार एंड 3 others वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनादर्स, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे वकील का नाम है श्री सीमांत सिंह जी। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़ोरदार बहस हुआ है, ये मैं मानता हूँ ज़ोरदार बहस हुआ है, और जो सुनवाई थी वो लंच के बाद भी सुनवाई की गई है। तो मैं आपको पूरी बात बताता हूँ दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि जो सुनवाई हुई बहुत ज़ोरदार हुई है, चूँकि इस बात पे सबसे मेन फोकस किया गया है कि बिना जो भी 8 से 9 क्वेश्चन पे आपत्ति हम लोग किए हैं, उस आपत्ति का निवारण के हुए आप कि कैसे जो है 6 तारीख को एग्ज़ाम ले सकते हैं। मेन फोकस यही था कि 6 तारीख का एग्ज़ाम किसी भी प्रकार से पोस्टपोन करवाया जाए, तो मेन फोकस हम लोगों का यही था। और इसी पे बहस हुआ है कि आप जो 8 से 9 क्वेश्चन जो विवादित क्वेश्चन है उस पे आप जो है उस पे पूरा का पूरा जो है कन्फ्यूजन दूर कर आप, यानी कि जो है विवादित क्वेश्चन को आप हटाइए, या तो आप इन क्वेश्चनों पर पहली बार तो बहस कीजिए, इसके बाद जो है आप जो है एग्ज़ाम कराइए, यानी 6 तारीख का एग्ज़ाम आप पोस्टपोन करने। मेन फोकस यही था कि विवादित क्वेश्चनों को निर्धारण करने के बाद, निवारण करने के बाद जो है 6 तारीख का जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन कराया जाए, क्योंकि अभी इसका निवारण नहीं हो सकता। जो 8 से 9 क्वेश्चन है उस पर भी बहस होगी। तो मेन फोकस यही था कि 6 तारीख का एग्ज़ाम जो है किसी प्रकार से पोस्टपोन कराया जाए। जो हमारे वकील थे बहुत अच्छा वहाँ पर बहस हुआ है, हमारे सामने बहस हुआ है, और बहुत अच्छी प्रकार से बहस हुआ है दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा बहस हुआ है, और मुझे लगता है कि हमारे फेवर में, हम लोगों के फेवर में जो है ऑर्डर आएगा, लेकिन अभी तक ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। जब तक ऑर्डर अपलोड नहीं हो जाता है आप कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि हम लोग सिंगल बेंच में देख चुके हैं कि ऑर्डर किस प्रकार से अपलोड हुआ था। हम लोग सिंगल बेंच में देखे थे कि हम लोग को पहले खूब कर रहे थे कि जो है कैंडिडेट के पक्ष में जाएगा फैसला, कैंडिडेट के पक्ष में जाएगा, और आप लोगों ने फैसला देखा होगा कि पीएनपी के पक्ष में चला गया। तो आप लोग जो है अभी खुश मत होइए, डबल बेंच में जो बहस खत्म हुई है अभी कुछ भी नहीं हुआ है। जो कुछ डिपेंड करता है वो कल 10 बजे ओपन होगा, 10 बजे, चूँकि कल छुट्टी है, लेकिन छुट्टी में भी ओपन होगा। याद रखिएगा कल जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की छुट्टी है, लेकिन कल 10 बजे ओपन होगा, छुट्टी में भी इस केस को ओपन किया जाएगा, और इस पे आदेश दिया जाएगा कि क्या होगा, 6 तारीख का पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। तो जैसा यूट्यूब वाले बोल रहे थे कि स्टे हो चुका है, बहुत खुशखबरी है स्टे हो चुका, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि आप वीडियो नहीं बना रहे, चूँकि मैं हाई कोर्ट में था इसलिए हाई कोर्ट में वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन आप लोगों से मैं अभी यहाँ भी हमारी टीम जो है घर पहुँची है, सभी लोग घर पहुँच चुके हैं, चूँकि कोशिश कर रहे थे हम लोग कि जो है ऑर्डर अपलोड हो जाए और फाइनल जो है डिसीजन दे दे, लेकिन जज साहब ने साफ साफ वहाँ पे बोल दिया है कि हम कल 10 बजे ऑर्डर देंगे, यानी कल 10 बजे होगी। अब 10 बजे क्यों होगा, क्या ऐसा तो नहीं कि सरकार और पीएनपी और हाई कोर्ट के बीच में कुछ सलाह मशवरा होगा उसके बाद जो होगा, या ऐसा तो नहीं कि जितने याची हैं उनको ही फ़ायदा मिले। जो भी होगा वो कल ही होगा, आज कुछ भी नहीं होगा। तो आप लोग अभी खुश मत होइए, कुछ भी नहीं हुआ है दोस्तों। कल जो है फैसला आएगा, उस पर डिसीजन होगा कि क्या होगा। और उन YouTube चैनल वालों को मैं बोल देता हूं कि जो ये अफवाह उड़ा रहा है कि स्टे हो चुका या नहीं, मैं भी चाहता हूं स्टे हो जाए, लेकिन प्रूफ नहीं है, हमारे पास कोई भी
कागज नहीं है कि उस जिससे पता चलता है कि स्टे हो जाए। हाँ, बहस अच्छी हुई है ये मैं मानता हूँ, क्योंकि हमारे सामने बहस हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहस बहुत ज़ोरदार हुई है हमारे वकील द्वारा। अब ये देखना है कि क्या आदेश आता है। और आप लोग पहले भी देख लिए होंगे, सिंगल बेंच में भी बहुत अच्छी बहस हुई थी, लेकिन उसमें क्या हुआ, वही मुँह की खानी पड़ी थी। तो जो भी होता है दोस्तों, अब ऑर्डर आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा। तो इसलिए आप लोग कल बनाए रहिए, धैर्य बनाए रखिए। अब ये देखना ये है कि कल क्या आदेश आता है। आदेश यदि अच्छा आता है, स्टे लग जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। वरना दोस्तों, आप जैसे जानते हैं कि हाईकोर्ट इसमें फिलहाल में किसके पे फेवर में चलता है। उम्मीद करता है वीडियो पसंद होगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पसंद। इसी प्रकार से आपको अपडेट मिलता रहेगा। और दोस्तों, मैं भी आपको दोबारा बता देता हूँ कि अभी कुछ भी नहीं होगा, आदेश को रिजर्व कर लिया गया है। कल 10 बजे जो छुट्टी में भी जो है हाई कोर्ट ओपन होगा, 10 बजे जो है इस पर फैसला सुनाया जाएगा कि क्या होगा। 6 तारीख का मेन मुद्दा है कि 6 तारीख का जो एग्ज़ाम होगा वो पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा, मेन मुद्दा यही है। इसके बाद जो है हमारा 809 क्वेश्चन पे बहस होगी, इस पर बहस के लिए नेक्स्ट डेट मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ, देखिए आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर। इस प्रकार से आपको अपडेट मिलता रहेगा। धन्यवाद।